हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर डीके गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर इन पोल साइंस, केकेएम कॉलेज जमुई। आज आपके सामने बीए पार्ट थर्ड ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के पेपर 8, 8वां एक अति महत्वपूर्ण पाठ पर एक आलेख प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है विकासशील देशों पर ब्रांट रिपोर्ट का महत्व। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व नेताओं में विली ब्रांट सर्वाधिक चर्चित उभरता हुआ नाम था। पश्चिमी जर्मनी के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता के रूप में 1966 में गठबंधन सरकार ने विदेश मंत्री वाइस चांसलर के रूप में इन्हें विशेष ख्याति मिली। दिसंबर 1977 से दिसंबर 1979 तक इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर स्वतंत्र आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उनके नेतृत्व में आयोग की रिपोर्ट उत्तर दक्षिण तथा कॉमन क्राइम्स वैश्विक अर्थव्यवस्था के आधारभूत सुधारवादी दस्तावेज माने जाते हैं। पश्चिमी जर्मनी के पूर्व चांसलर तथा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित विली ब्रांट की अध्यक्षता में नियुक्त अंतर्राष्ट्रीय विकास मुद्दों पर स्वतंत्र आयोग ने दिसंबर 1977 में अपना कार्यकाल प्रारंभ किया और दिसंबर 1979 में कार्य संपन्न कर दिया, जिसमें कुल 27 देशों ने भाग लिया था, जिनमें 19 विकासशील देश तथा 8 विकसित औद्योगिक देश शामिल थे। इसलिए इस सम्मेलन को उत्तर दक्षिण संवाद के नाम दिया गया और इसे ब्रांट आयोग के नाम से जाने जाने लगा। और इसने वर्ष 1980 के प्रारंभ में अपना रिपोर्ट जारी की, जिसे उत्तर दक्षिण शीर्षक से प्रकाशित किया गया। ब्रांट रिपोर्ट विश्व अर्थव्यवस्था का महान विश्लेषण है, जिसमें मानव कल्याण के लिए सामाजिक आर्थिक समता का आह्वान करते हुए विद्वान उभरती विश्व व्यवस्था का रेखांकित किया गया विश्व व्यवस्था को रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट इन आर्थिक प्रवृत्तियों का चित्रांकन करती है जिन्हें बदलने की आवश्यकता है। उत्तर और दक्षिण के देशों में पाए जाने वाली आर्थिक विषमता को रेखांकित करती है, जिनका हल ढूंढा जाना है। वित्तीय और आर्थिक अस्थायित्व के साथ साथ बढ़ती निर्धनता के कारणों का विश्लेषण करती है, जिनका निदान खोजा जाना है। आयोग ने उन मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित किया जो विकसित और विकासशील देशों के आपसी हितों से साझा सरोकार रखते हैं। पेरिस सम्मेलन की असफलता के बाद विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट मैकेनमोर ने अंतर्राष्ट्रीय विकास मुद्दों के निपटाने के लिए एक गैर सरकारी स्वतंत्र आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव किया। प्रस्तावित और गैर सरकारी आयोग ने दिसंबर 1977 में काम करना शुरू कर दिया। यह आयोग ब्रांट आयोग के नाम से लोकप्रिय हुआ क्योंकि इसके अध्यक्ष पश्चिमी जर्मनी के भूतपूर्व चांसलर विली ब्रांट थे। इसके सदस्यों में विश्व के सभी भागों के राष्ट्र शामिल थे। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण भारतीय अर्थशास्त्री डॉक्टर एल के झा आयोग के सदस्य थे। ब्रांट आयोग के नाम में लोकप्रिय इस प्रस्तावित आयोग की पहली बैठक दिसंबर 1977 में लोन में विली ब्रांट की अध्यक्षता में हुई थी। इसकी 2 रिपोर्ट मानी जाती है। इन रिपोर्ट को नॉर्थ साउथ प्रोग्राम और सर्वाइवल और कॉमन क्राइमिस दस्तावेज परंपरा निर्भरता के प्रसिद्ध सिद्धांत के लिए भी जाना जाता है, जिसमें विकसित और विकासशील देशों को
परस्पर निर्भरता का विश्लेषण है। आयोग ने जोर देकर यह स्पष्ट किया था कि विश्व शांति के लिए विकसित और विकासशील देशों में परस्पर निर्भरता जरूरी है। इसके लिए आयोग ने विश्व के नेताओं को की औपचारिक बैठक बुलाने का प्रस्ताव किया ताकि विकसित और विकासशील देशों के बीच विभाजन में संबद्ध मुद्दे जैसे सहायता, व्यापार, वित्तीय प्रवाह, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी का स्थानांतरण और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का लोकतांत्रिकरण के बारे में रियायतें आदि पर स्पष्ट और निर्भीक विचार विमर्श किया जा सके। इस बैठक को मेक्सिको के राष्ट्रपति ने अपने यहाँ आयोजित करने का प्रस्ताव दिया। विकासशील देशों पर ब्रांड रिपोर्ट के प्रभाव इस प्रकार परिलक्षित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दो दशकों के बाद भी ब्रांड रिपोर्ट में संयोजित प्रस्तावों पर समुचित ध्यान नहीं दिया है। यद्यपि ब्रांड आयोग रिपोर्ट को खूब पढ़ा जाता है, उस पर लंबी चौड़ी बहस होती है, किंतु जिस आर्थिक विषमता की ओर रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित किया गया है वह और भी अधिक बढ़ती गई। ब्रांड आयोग के सुझावों के बावजूद जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं किया पाया जा सका और 1.7 बिलियन विश्व जनसंख्या में वृद्धि हुई, जिसमें 90% विकासशील निर्धन देशों में पैदा हुए। विकासशील देशों में भूख से मरने वालों की संख्या 500-600 मिलियन से बिलियन तक पहुंच गई। स्वच्छता के माकूल कार्यक्रम के अभाव में निर्धन देशों के लोगों को स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सुरक्षा, आवास और सुशिक्षा की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं। आज भी विकासशील देशों में महिलाएं लिंग भेदभाव का शिकार हैं और विकसित देशों में 0.7% GNP सहायता के मापदंड में उन्हें मात्र 3.5% से 21% GNP सहायता ही मिल पाई है। इन देशों का ऋण भार 700 बिलियन डॉलर से बढ़कर लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इन देशों द्वारा शांति और कल्याण कार्यक्रमों पर धन खर्च करने के बजाय शस्त्र प्रतिस्पर्धा में शामिल होने की प्रवृत्ति देखी जाती है, जिसके कारण इनका शस्त्र व्यय 450 बिलियन डॉलर से बढ़कर 800 ट्रिलियन डॉलर प्रतिवर्ष तक हो गया है। ऊर्जा की खपत इन देशों में इस ढंग से बढ़ती जा रही है कि पर्यावरण प्रदूषण और वैश्विक उष्णता में वृद्धि से 12% तक कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। बहुराष्ट्रीय निगम उन्हीं विकासशील देशों में निवेश करती है जहां श्रम, कराधान, व्यापारिक और वित्तीय नियम और पर्यावरण मानदंड अत्यंत निची दरों पर होते हैं। इन देशों का व्यापार स्थानीय सहायता अनुदान और संरक्षणवाद की नीतियों द्वारा हतोत्साहित किया जाता है। वित्त, मुद्रा आदि नीतियों को नियमों से संचालित नहीं किया जाता, जिससे विकासशील देशों में मौद्रिक अस्थिरता, मौद्रिक अस्फीति और वित्तीय संकट उत्पन्न होते हैं। ब्रांड रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण गोलार्ध के देशों की समृद्धि उत्तरी गोलार्ध को भी समृद्ध करेगी और दक्षिण का आर्थिक संकट उत्तर का आर्थिक संकट होगा। 1980-90 के दशक में उत्तर के देशों में उत्पादन और वित्तीय आधिक्य में वृद्धि हुई तथा वे वैश्विक उपभोक्ता मांग में कमी आई और विकासशील देशों में निर्धनता बढ़ी। इससे निर्धन देश ऋण भुगतान करने में असमर्थ रहे। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि ब्रांड रिपोर्ट विश्व अर्थव्यवस्था का गहन आकलन है, जिसमें मानवता के लिए सामाजिक आर्थिक समता का आह्वान करते हुए विद्यमान उभरती विश्व व्यवस्था का खाका रेखांकित किया गया है।
ब्रांड रिपोर्ट उत्तर और दक्षिण के देशों में पाए जाने वाली आर्थिक विषमता का हल ढूंढने और वित्तीय तथा आर्थिक अस्थायित्व के साथ बढ़ती निर्धनता के कारणों का विश्लेषण कर उनके निदान खोजने की ओर ध्यान आकर्षित करती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि ब्रांड रिपोर्ट विश्व के राजनेताओं एवं जनता के नाम ऐसी अपील है ताकि उन्हें अपने साझे भविष्य की पुनर्रचना के लिए आलोकित किया जा सके। इस प्रकार यह ब्रांड रिपोर्ट समाप्त होता है। धन्यवाद।